चलिए सीधे लेकर चल रहा हूं आपको रायपुर। घायलों से मुलाकात कर रहे हैं विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, साथ में दो डिप्टी सीएम जो हैं अरुण साव, विजय शर्मा, वो भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर के अस्पताल से, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा। घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, आईईडी ब्लास्ट में जवान वहां पर घायल हो गए थे। विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों पर जो है वो नकेल कस रही है, और सुरक्षा बलों के साथ एक प्रशासनिक तौर पर खड़ा होना होता है और एक संवेदनशील तौर पर खड़ा होना होता है। आप देखिए, मुख्यमंत्री सीधे लौटे हैं दिल्ली से, जा सकते थे आवास, आराम कर सकते थे, फिर पहुंचते, लेकिन नहीं, सीधा उन्होंने रास्ता अख्तियार किया अस्पताल का और जवानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए आप, हालचाल भी पूछ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं जवानों की स्थिति को। कल ऑपरेशन होना है, हमारे सहयोगी अनमोल आपको बता रहे थे कि जो है बहुत गंभीर चोटें आई हैं जवानों को। तमाम चीजों को समझने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये अपने आप में संवेदनशीलता दर्शाती है सरकार की, और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जो है ये हिम्मत भी देती है। पैर में संजय कुमार जी, पैर में एक उनका सिलेंडर मिल रही है और एक लास्ट के हड्डी में फ्रैक्चर है, उसका भी सब साफ सफाई कर रही है। आउट ऑफ डेंजर है, ऐसे सब नहीं, पर थोड़ा सा लंबा रहेगा जी सर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, सीधी तस्वीरें रायपुर से अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, और एक एक कर जो जवान घायल हुए हैं उनकी स्थितियों का वो जायजा ले रहे हैं। डॉक्टरों से भी पूछ रहे हैं कहाँ उनको चोट लगी है, कब उनका इलाज होना है, कब जो है किस तरीके से जो है उस पर आगे बढ़ा जाएगा उनके स्वास्थ्य की तरफ, सब कुछ जो है खुद व्यक्तिगत तौर पर वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं रायपुर के अस्पताल, और जब खबरें आती हैं छत्तीसगढ़ से कि 12-12 नक्सलियों को जो है मुठभेड़ में मार गिराया गया है, तो एक सवाल तो उठता है कि इतनी हिम्मत जो है सुरक्षा बलों के अंदर कहां से आती है। ये वो तस्वीर है, क्योंकि जब आपके साथ सरकार खड़े रहती है और कंधे से कंधा मिलाकर चलती है आपके सुख दुख के साथ और हिम्मत देती है रणनीतिक तौर पर भी, प्रशासनिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों के अंदर जज्बे और हिम्मत में जो भारी इजाफा हो जाता है और तमाम तरीके की चुनौतियों को वो पार कर लेते हैं। वापस हम अनमोल का रुख कर रहे हैं, अनमोल मेरे सहयोगी का रुख कर लेते हैं, वो आपको और अच्छे से तफसील से बता पाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। अनमोल, मुख्यमंत्री खुद जो है डॉक्टरों से पूछ रहे थे, हमने सीधी तस्वीरें दिखाई हैं कि क्या हुआ है जवानों को, कितनी चोट आई है। वही मैं कह भी रहा था कि जब व्यक्तिगत तौर पर सरकार जो है आपके सुख दुख में एक साथ खड़ी रहे, तो सुरक्षा बलों के जोश में बढ़ोतरी क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा भारत। देखिए, जिस तरीके से नक्सल अभियान पर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, इसे साफ तौर पर यही नतीजा है कि देखिए आज लगातार नक्सलियों के जो हौसले हैं वो पस्त होते जा रहे हैं और लगातार एक बड़ी सफलता मिल रही है नक्सल मोर्चे पर। देखिए, सीएम जो है अब लौट रहे हैं मिलकर, और सीधे जो है सीएम से ही अब हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो सफलता मिली है उसको लेकर के सीएम क्या बोलेंगे। उनके साथ देखिए डिप्टी सीएम आपको अरुण साव भी नज़र आ रहे हैं, विजय शर्मा भी उनके साथ हैं, और सीएम देखिए रिपोर्ट कार्ड भी लिए हुए हैं हाथ में, जिस साहब से बात। हाँ, कल हमारे जवान ड्यूटी से वापस आ रहे थे और वापस आते समय एक नाला को क्रॉस किए और आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे दो एसटीएफ के जवान शहीद हो गए। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके शहादत को नमन करते हैं।
और हमारे 4 जवान घायल हो गए हैं जो यहाँ पर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम लोग दिल्ली प्रवास में थे, अभी एयरपोर्ट में उतर के सीधे हम लोग उनसे मिलने यहाँ पर आए हुए हैं। और जो 2 जवान शहीद हुए हैं उसमें एक नारायणपुर ज़िले का है, एक रायपुर का है। तो कल रायपुर माना कैंप में भी हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शामिल होंगे। क्या स्थिति है घायल जवान? अच्छे हैं, सब खतरे से बाहर हैं, सबसे मुलाकात की है, सबसे बात की है। सर क्या कुछ बता रहे हैं जवानों से बातचीत? वही बता रहे हैं कि ड्यूटी से लौट रहे थे और नाला क्रॉस करके जिससे आगे बढ़ रहे थे और आईडी ब्लास्ट हुआ। गंगालूर में भी एक आईडी ब्लास्ट हुआ, उसमें भी 2 घायल जवान थे, अभी दोपहर में 1 बजे आज की सूचना। अच्छा, आज की घटना है। अच्छा अच्छा, उसमें भी हाँ, उनको भी ला रहे हैं, ला रहे हैं, उनको भी इलाज के लिए ला रहे हैं। हाँ, अवगत कराए हैं, यहाँ की स्थिति से उनको अवगत कराए हैं और हमेशा यहाँ की चिंता करते हैं। और आज जो हम लोग मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ पा रहे हैं तो उसमें उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सवाल खड़ा करके उनको हमारे जवानों का मनोबल गिराना नहीं चाहिए। पहले भी सवाल खड़ा किए थे, एक दुर्घटना को फेक दुर्घटना बताए थे, लेकिन नक्सलियों ने अपना लिस्ट जारी कर दिया तो इतने बड़े व्यक्ति को इस तरह से जवानों का मनोबल गिराने का काम नहीं करना चाहिए। तो सोना भारत, आपने अभी की मुख्यमंत्री वो बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे मीडिया से और मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री ने बताया कि जो जवान हैं अंदर घायल हैं वो पूरी तरीके से जो है सेफ हैं, खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज जारी है और पूरी तरीके से जो है चारों जवान जो है सेफ हैं, खतरे से बाहर हैं। और मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम अरुण साह, विजय शर्मा पहुंचे हुए थे, उन्होंने घायल जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। और अब सीएम विष्णुदेव साय जो है अब यहां से रवाना हो रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से विपक्ष भी सवाल खड़ा करता है उस पर भी सीएम साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, वो हमेशा से सवाल खड़ा करते आए हैं, उनके सरकार में भी जिस तरीके से नक्सल गतिविधि बढ़ी थी, लेकिन अब उनका बिल्कुल बिल्कुल मोल जिस तरीके से नक्सल गतिविधि बढ़ी थी उस पर शायद सरकार जो है नकेल भी कस रही है और जब भी इस तरीके की घटना होती है तो खुद वहां पर व्यक्तिगत तौर पर पहुंचते भी हैं। बहुत शुक्रिया अनमोल इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।